हम अंदर बैठे। लाइफ में ऊपर नीचे होता है। क्या है नौरीन ये? मैं मैम पे गुस्सा हो गई थी, मैं आपको बोली थी कि आप एनीवेयर डोर लेके फट से 1 बजे तक पहुंच जाइएगा। हो चुका है मेरे घर में पेंटिंग का काम शुरू और अब घर ऐसा ही दिखने वाला है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मोमिन हैदराबाद में आप सबका फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोगों ने सुना कि आजीन ने कहा कि लाइफ में ऊपर नीचे होता रहता है, तो ऐसे ही कुछ हुआ हम लोगों के साथ जब इस टाइम हम लोगों ने शुरू किया घर को पेंट कराने का और थोड़ा बहुत चेंजेस लाने के लिए। और वो क्या क्या हुआ है ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखने से और थोड़ा सा काम डाउन हो जाने से बहुत चीज़ें सुधर जाती हैं, और अगर हम पेशेंस खो देते हैं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। तो ये था पहला दिन पेंटिंग का, और आते के साथ ही बच्चे ने सबसे बड़ी गलती ये करी कि पूरे घर को इसने उलट पलट कर दिया और मेरी एक भी नहीं सुनी। क्या है नौरीन ये? बहुत गंदा चीज होता है बेटा ये। हम लोग तो खाते जाते थे, खेल रही ना। खेल रही हो? खेलो। क्यों कर रही हो इतना गंदा हाथ तुम? पूरा दिन बीत चुका था और कोई भी रूम फिनिश्ड नहीं था और पूरा घर उल्टा पुल्टा था। साजिद आते के साथ ही उनका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, और वो बच्चा भी ये सोच कर गया कि कल नहीं आऊँगा। डे टू कुछ ऐसा बीता था फ्रेंड्स के पूरी चीज़ बिखरी हुई थी और हम लोग उसी सामान के ऊपर घर में उठना बैठना चलना छींकना सोना कर रहे थे। अगर ये नहीं आता हमारे घर पे काम करने के लिए तो इसका भी नुकसान था और मेरा भी नुकसान था। What do you do? No. Like this? Not it. Like this? No, not like this. Last year. तुम कैसी लग रही हो नौरीन? आगे आपको व्लॉग में पता चलेगा कि मैंने इसे कैसे मनाया और क्यों मनाया और ये कैसे फिर से काम करने के लिए राजी हो गया और इसमें हमारा और इसका क्या फायदा है। करो करो करो। दिल तो कर रहा है ना, कोना निकल केमिकल है, केमिकल है। गुस्सा तो मुझे बहुत आया था क्योंकि इसने पहला दिन मेरा एक भी नहीं सुना था और अपने हिसाब से काम कर रहा था, लेकिन गुस्सा इसे भी आया होगा क्योंकि मैंने इसे मना किया कि तुम सही काम नहीं कर रहे हो और उसे वो दिल पर लग गया था और वो काम छोड़कर निकल गया था। क्योंकि ये बच्चा था मुझे पता था कि मैं इसे समझा सकती हूँ। मैंने इसे समझाया, तुम पैसे थोड़ा ज़्यादा लो और 2 जनों को बुलाओ, उसके पैसे मैं देती हूँ। नौरीन की वजह से हर एक चीज़ अलमीरा के ऊपर रहता है, ये आप लोगों ने कई बार व्लॉग में देखा होगा, और वो सारी चीज़ें अब नौरीन के एक्सेस में थी और वो बहुत एक्साइटेड थी। इसे पानी है। तो मैंने ऐसा क्यों किया कि मैंने इसी लड़के को बुलाया फ्रेंड्स, क्योंकि अगर मैं किसी और नए लड़के को बुलाती या नए इंसान को लाती तो वो घर की हालत देखकर ही मुझसे डबल चार्ज करता और वो फिर अपने हिसाब से करता, मेरा नहीं सुनता, क्योंकि उसे पता था कि मैं मजबूरी में उसे लेकर आई हूँ। और इसका नुकसान ये होता जो मैंने बढ़कर इसे पेमेंट किया है वो उसे नहीं मिलता और एक घर का उसका काम लॉस हो जाता। बहुत लंबा सफ़र है। और जब मैंने इसे इस स्टेंसिल से कैसे काम करना है और कैसे मेजरमेंट लेना है ये सब मैंने जब इसे बताया तो इसे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इसने इतना खूबसूरत काम अपने हाथों से किया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे इतनी क्या मजबूरी थी कि मैंने इतने छोटे बच्चे को काम करने के लिए दिया।
जस्ट बिकॉज भरोसे की बुनियाद पर। लड़के को एक्चुअली हमारे किसी पहचान वाले ने भेजा था, तो मैं बेफिक्र होकर घर छोड़कर जा सकती थी उसके ऊपर कुछ भी लाने करने के लिए। यहाँ पे आप ए सी ऑन ऑफ करने बोल रही है और यहाँ पे बच्चा देखो बुरका से आपका कमर बोल रहा है और देखिए आपका बच्चा बुरका में देखिए ठंडा लग रहा है इसको। दूसरे दिन के काम तक ऑलमोस्ट दोनों बेडरूम हो चुका था, तो यहाँ आजिन अपना थोड़ा सा एक अपना टचअप देने के लिए आ गई थी। वो जो मिरर हॉल से निकले थे उसने पुट किया यहाँ पर। नौरीन तुम्हारा मस्ती फुल चल रहा है। दो रातों से नौरीन को ना तो साफ बिस्तर मिला था और ना ही साफ घर मिला था, तो आज दो रात के बाद तीसरे रात में जब उसे अच्छा बेड मिला तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और बहुत अच्छा सोई थी। काम शुरू होने का डे 4 था, लेकिन काम का तो डे 3 ही बोल सकते हैं। और आज इश्विन आ रही थी हॉस्टल से, तो थोड़ा मेरा हाथ बटने वाला था। काम तो ऑलमोस्ट हो ही चुका था, सिर्फ किचन था और बाथरूम्स थे दोनों। ये सब सिर्फ पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ मेरा सुना और मैंने जैसे बताया वैसा स्टेप बाय स्टेप उसने काम किया। और आज था किचन का नंबर। किचन में बहुत ज़्यादा पुट्टी का काम था क्योंकि किचन की हालत बहुत ज़्यादा अंदरूनी ख़राब हो चुकी थी। बाहर से मैं जितना भी ठीक कर लूँ बगैर पुट्टी के काम नहीं होने वाला था। मेरा है ये मेरा है, ये मेरा है नरेन। नहीं, चॉकलेट फिनिश करनी। ये मेरा है चॉकलेट फिनिश करी पूछ रही हूँ। ये पी ली अपना? नहीं, वही एक आया है क्योंकि रो रो के लिए। पी लो। पी लूँ मैं? अच्छा नहीं लगा। नहीं, बहुत अच्छा लगा। कहाँ गई थी आप ही? आ गई बड़ी, आप ही को तो मेरा कंप्लेन कर रही थी। क्या कर रही मैं बोलो? आप ही चॉकलेट दे दो ना। चलो ऊपर चलो चॉकलेट। ये प्लीज खोलो ना। चॉकलेट आया है क्या? पापा जो निकालेंगे इसके अंदर है। 6 बजे हम लोग उठ के चॉकलेट दे दो। हाँ मालूम है, मैसेज आया। 6 सुनो प्लीज आप ही चॉकलेट दे दो। अरे बाप रे मिस कर दी। पर ये तो काम अभी चलता रहेगा। अरे इसमें भी चॉकलेट की पीछे पड़ी हुई है, हम कितना मुश्किल से कलेक्शन करते हैं। तुम उसको बोलिए कि तुम्हारे पास चॉकलेट है। अरे वहां पे लड़ने लगी ना। क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, वन चॉकलेट चाहिए अभी, दे रही है। सिट डाउन। आप ही पिए, मुझे सुबह चॉकलेट ये खाना। ये लो वन चॉकलेट, ये खाना। हाँ नहीं करो ना, जाओ। मेरा है। नहीं, आप ही का है ये। नहीं, मेरा है। दे दो, दे दो चॉकलेट वापस करो। आप तुम हाथ उठाई। अभी एक चॉकलेट क्या था? अभी एक चॉकलेट है ना, रखो। सॉरी, एक मलेशियन चॉकलेट है, एक बच्ची दी थी मलेशियन चॉकलेट है। ओह माय गॉड, मेरे को भी दे दो। नहीं हो, सारे चॉकलेट मेरे कहीं ना। ये है, ये भी बाहर का चॉकलेट है। नौरीन ने जिस तरीके से यशवीन के ऊपर हाथ उठाया, यशवीन ने कभी किसी के ऊपर हाथ उठाया होता तो मैं उसे उठकर मार देती थी। सोहेल ना, सोहेल आजीन को बोल रहा बाजी। हम लोग तुमको देख के तो आंटी बोलेगा। ये बात का खुशी हो या नहीं हो, नौरीन को दिमाग खाने के लिए कोई और आदमी आ गया है भाई। बचे थोड़ा सा प्लीज, थोड़ा सा दिखा। एक बच्चे संजीत का बोला था ना, मेरे लिए कुछ जूलरी की थी, वो थी वॉल पे। अच्छा, बना के दिए हाथ से? वो मेरा रेफरेंस है पूरा। अच्छा, उल्टा है? नहीं उल्टा नहीं, ऐसी है। बोली तुम तेरी हो, से तेरा नाम तेरा है बेटा। शुगर फ्री, क्योंकि हम शुगर नहीं खा रहे थे ना। और एनीवेयर डोर, क्योंकि जब मैं मैम पे गुस्सा हो गई थी, मैं आपको बोली थी कि आप एनीवेयर डोर लेके फट से 1 बजे तक पहुंच जाइएगा। तो उसका एनीवेयर डोर यूट्यूब आपका इंस्टाग्राम। मुझे गाना बहुत पसंद है ना, इसलिए गाना। मैं पिंटरेस्ट यूज करती हूँ। पिंटरेस्ट मेरा फेवरेट नॉवल सीरीज, मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स के नाम्स। कहाँ है? ओरिया, ओआरबी, ओआरबी कहाँ? क्या हो गया? पीली। क्या मुंह का हालत कर दियो?
हिंदी में बात करती है। कटम कल दी कटम। यहाँ पर पूरा पुट्टी का काम हो गया है, पुट्टी का काम हो गया है, पता नहीं अभी कब होता। अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे दिन पूरा काम खत्म होने पे था और ये लास्ट कोटिंग थी जो किचन की हो रही थी। क्या क्या चेंजेस किए हैं और अब घर कैसा लग रहा है देखने में, ये सब आपको बहुत जल्दी मैं दिखाऊंगी। जो नए आ रहे हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये छोटा सा चैनल कहीं खो ना जाए और मेरा आप मेक ओवर मिस ना कर दें। लाइफ में फिर ऊपर नीचे होता है ये। तो फिर जमीन पे लगाओगे तो जमीन के ऊपर इंसान पैर रख रहा है उसके पैर का समंदर। अभी क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? नीचे तक चलो पूरा प्रोफेशनल। अरे नहीं होगी, टॉप नहीं की, देखो आप पहले कर लो इधर का टॉप नहीं की। ट्यूबलाइट आपको खो दो अम्मा, देखो मैं कितने अच्छे से कर रही हूं। नौरीन आजीम फातिमा व्हाट इज दिस, तुम कर रही हो, तुम वो कर रही हो, झूठ मत बोलो, झूठे मत बोलो, तुम लोग गैस लाइट कर रही हो। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया, काम करके बाय बाय। क्या है इसमें? वनीला आइसक्रीम और ओरियो, मुझे पता नहीं क्या है। ये वाउचर्स वो सब आएगा नवरात्रि का, अब इसका भी बनाइएगा। ये क्या है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी हेयर सीरम, हम नाम नहीं बोलेंगे। ये फ्री में है? हाँ एकदम फ्री में है। हंचमुला, ये एक पोर्टेबल का है बट यू आर नॉट स्पॉन्सर्ड। पीछे शाइन ऑन उस पे रखा हुआ बहुत अच्छा लग रहा है बट यू आर नॉट स्पॉन्सर्ड टू इट कैमरा में। कि जो चीज़ आपको वक्त और एक्सपीरियंस सिखा सकता है कोई किताब नहीं सिखाती है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मैंने जो भी सीखा है अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। मुझे भी बहुत सारी चीज़ों में बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था और मैं अपना चीज़ ख़राब कर देती थी, लेकिन वक्त के साथ मैंने सीखा कि कैसे ख़राब चीज़ को भी सही किया जा सकता है। और जब भी मुझे छोटी बच्चा यशवी नाजीन अगर किसी के ऊपर हाथ उठाती थी तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता था कि अरे ऐसा कैसे, ये तो बदतमीज़ी हो जाती है। लेकिन हर जगह पे बदतमीज़ी नहीं होती है, कहीं कहीं पे ये उनका प्यार भी रहता है बहनों के साथ। तो सब वक्त के साथ सीखा जाता है और ज़िंदगी में ऐसा भी होता है। तो ऑब्वियसली मुँह में जाके भी मेल्ट होना है ना। आपको मेरा कंटेंट, मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।